अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेहनाज किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन की बहुत ही लजीज और उम्दा किस्म की रेसिपी। आज हम बनाएंगे चिकन बुखारा। ये इतनी लज्जतदार रेसिपी है कि आप इसे ओकेजनली बना सकते हैं। घर में पार्टी हो या कोई गेस्ट आ जाए तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस बनती है। आइए चिकन बुखारा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 1 kg चिकन लिया है और ये हमने विद बोन्स चिकन लिया है। आप चाहें तो इसको बोनलेस में बना सकते हैं। चिकन को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। अब फर्स्ट स्टेप हमें करना है चिकन को मैरिनेट, तो इसके लिए हमने कुछ ड्राई स्पाइसेस लिए हैं। ड्राई स्पाइसेस हमने इस कॉम्बिनेशन में लिए हैं कि मैंने यहाँ 1 teaspoon धनिया पाउडर लिया है, 1 teaspoon कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 teaspoon भुना कुटा जीरा है, 1/2 teaspoon काली मिर्च पाउडर है, 1/2 teaspoon चाट मसाला, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, कसूरी मेथी 1 teaspoon है, और ये हमने लिया है कॉर्नफ्लावर, ये 1 tablespoon है। मैरिनेशन में हम एक एग यूज़ करेंगे और एक लेमन जूस। चिकन को मैरिनेट करना स्टार्ट करते हैं। सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे हम चिकन में। कॉर्नफ्लावर भी ऐड करेंगे इसमें, लेमन जूस डाल देंगे, अंडा भी डाल देंगे इसमें हम ब्रेक करके। अब इन सबको हम जो है बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, सारे मसालों को चिकन पीसेस के ऊपर। देखिए, हमने सारे मसाले को बहुत अच्छे से चिकन पीसेस के ऊपर कोट कर दिया है और अच्छे से ये एकदम सारे पीसेस कोट हो गए मसाले में। अब हम इसको 1/2 hour तक मैरिनेट के लिए रखेंगे। थर्टी मिनट्स हो चुके हैं, हमने चिकन को रेस्ट पे रखा था 30 मिनट्स के लिए। ये देखिए बहुत अच्छा से मैरिनेट हो चुका है हमारा चिकन। अब आगे की प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ हमने एक फ्राइंग पैन ले लिया, इसमें हमने कुकिंग ऑयल को ऑलरेडी गर्म करने रख दिया था और ये बहुत अच्छा गर्म हो चुका है। अब हम फ्लेम को जो है मीडियम कर देंगे और इसमें एक एक करके पीस डालेंगे। जितने पीसेस आएंगे एक बारी में उतने ही डालेंगे इसमें पैन में हम। तभी हमारे इतने ही पीसेस आए हैं तो हम इसको दो बार में फ्राई करेंगे। 1-2 मिनट तक इस साइड से फ्राई करेंगे, उसके बाद इसको टर्न करेंगे। 2 मिनट तक हमने एक साइड से इसको फ्राई किया है मीडियम फ्लेम पर। अब सारे पीसेस टर्न कर लिए हैं, अब इस साइड से भी ऐसे ही फ्राई करेंगे। हमारे जो चिकन पीसेज हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। देखिए कम से कम 5 मिनट हो गए हैं इसको हमने टर्न कर करके बहुत अच्छे से फ्राई किया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ग्रेवी प्रिपेयर करने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और ये 1 tablespoon मस्टर्ड ऑयल है। फ्लेम को हमने स्लो कर दिया है। सबसे पहले इसमें 2 छोटे छोटे दालचीनी के पीसेस डालेंगे और ये 3 छोटे साइज के तेज पत्ते, ताकि हमारे जो ऑयल है इसमें अच्छा सा इसका एरोमा आ जाए, फ्लेवर आ जाए इसमें। ये मैंने 2 medium size की प्याज ली है, इसको फाइन चॉप कर लिया है। सबसे पहले हम ऑयल में ये डालेंगे, गर्म मसालों के बाद प्याज को हम लाइट पिंकिश होने तक फ्राई करेंगे। प्याज जो हमारी लाइट पिंकिश फ्राई हो चुकी है, बस हमें इसी स्टेज तक प्याज को फ्राई करना है। अब यहाँ हम ऐड करेंगे, ये मैंने 6-7 लहसुन की कलियाँ, 1 inch अदरक और 3 हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है, ये इसमें ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से भूनेंगे। अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट को बहुत अच्छे से हमने भून लिया है। अब इस स्टेज पर हम यहाँ ऐड करेंगे ये 2 medium size के रेड कलर के टमाटर लिए, इसका हमने पेस्ट बना लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। और इसको भी हम भूनेंगे 1-2 मिनट तक। जब भी हम कोई रेसिपी बनाए तो उसमें जो मसाले का भूनने का होता है वो बहुत मेन एक पार्ट है। जब तक मसाला अच्छा नहीं भुनेगा तो हमारी जो रेसिपी वो अच्छी नहीं बनती है। यहाँ हम ऐड करेंगे 1/2 teaspoon सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 teaspoon हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 teaspoon हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें, 1 teaspoon कसूरी मेथी,
अब इन सबको हम जो है अच्छे से भूनेंगे टमाटर के साथ, टमाटर भी भुन जाएंगे और हमारे ये सूखे मसाले भी अच्छे से भुन जाएंगे। इसको मिक्स करेंगे। देखिए हमारा जो मसाला है बहुत अच्छे से भुन चुका है, ऑयल जो है साइड से निकल आया है, इसका मतलब कि मसाला अच्छा भुन गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे ये वन टेबल स्पून दही है, इसको ऐड करेंगे। फ्लेम को स्लो करने के बाद ऐड करेंगे दही और इसको जल्दी से हम चला देंगे। देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है हमारी दही। अब इसको हम एक दो मिनट भूनेंगे। मसाला देखिए बहुत अच्छे से भून चुका है, हमने दही डाल के भूना था। जैसे जैसे हम इसमें स्पाइसेस दही वगैरह डालते जा रहे हैं, एक दो दो मिनट तक इसको अच्छे से हम भूनते जा रहे हैं। अब हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है। अब यहाँ हम ऐड करेंगे ये काजू पेस्ट है। मैंने 18 काजू लिए हैं, 18 कैश्यू उसका पेस्ट बना लिया है, ये इसमें ऐड करेंगे हम। मिक्स करेंगे इसको। दो टीस्पून फ्रेश मलाई ली है, ये भी इसमें ऐड करेंगे हम। दोनों चीज़ों को डालने से एक बहुत सौंदर्यपन आता है इसकी ग्रेवी में और एक बहुत रिच ग्रेवी बनती है इसकी। इसको मिक्स करेंगे। क्वार्टर टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी ऐड करेंगे इस स्टेज पर हम। और अब इन सबको मिक्स करेंगे। अब इस मसाले को हमें बहुत अच्छे से भूनना है। हमने सारे मसाले इसमें ऐड कर चुके हैं, हमारी ग्रेवी के जितने मसाले थे सब हमने ऐड कर लिए हैं। अब इसको हमें भूनना है कम से कम 3 से 4 मिनट तक, स्लो फ्लेम पर इसको हम भूनेंगे कवर करके। माशाल्लाह हमारा मसाला तो बहुत अच्छा भुन चुका है। देखिए इसे हमने स्लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक रखा था कवर करके, कितना अच्छा भुन गया हमारा मसाला। सारा ऑयल जो है सरफेस पे आ गया है। अब इस स्टेज पर हम यहाँ ऐड करेंगे जो हमने चिकन पीसेस को फ्राई किया था वो ऐड करेंगे इसमें हम। अब इसको जो है हम बहुत अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे सारे पीसेस को। बहुत ही अच्छी बहुत लाजवाब रेसिपी है ये, बहुत मज़ेदार बनती है। देखिए सारे चिकन पीसेस को जो है हमने मसाले में अच्छे से कोट कर लिया है। मसाला हमारा ऑलरेडी भुन चुका था और हमने जो चिकन को फ्राई किया था तो वो भी 80% तक कुक हो चुका था हमारा। तब हमें बस क्या करना है, इसमें थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे क्योंकि मसाला जो है हमारा काफ़ी ड्राई हो चुका है, तो इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे। ये जो हम चिकन बुखारा की रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही रॉयल किस्म की रेसिपी है, बहुत रिच रेसिपी है, बहुत अच्छी ग्रेवी होती है इसकी, रिच ग्रेवी। इसमें काजू पेस्ट क्रीम वगैरह जो हम डालते हैं उससे इसका टेक्स्चर ग्रेवी का बहुत ही अच्छा बहुत मज़ेदार बन जाता है। इसको पार्टीज़ में या ओकेजनली कभी भी बनाया जा सकता है। अब इसको हमने जो अच्छे से मिक्स कर लिया है सारे पीसेस को ग्रेवी में, ग्रेवी जो है इसकी ज़्यादा लिक्विड नहीं बनेगी, इसी टाइप से बनेगी। इसको अब हम कवर करके कम से कम 4 से 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पर रखेंगे ताकि जो कसर बाकी है हमारे चिकन में वो अच्छे से टेंडर हो जाए। देखिए माशाल्लाह हमारा तो एकदम चिकन बुखारा रेडी है, बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, साइड से ऑयल भी निकल आया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये फ्रेश धनिया पत्ती। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा चिकन बुखारा बहुत ही मज़ेदार बनके रेडी हुआ है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी है, बहुत लज्जतदार रेसिपी है। तो फ्रेंड्स आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रोटी नान के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है ये रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।